ये था खेत जिसको मैं पात करके आया हूँ। ये डॉगी आया है, डॉगी अपनी तरफ जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा बड़ा बगीचे की तरह खुला मैदान आ चुका है और देखते ही इसकी अनुपम छटा बन रही है। जस्ट वाव, बहुत ही शानदार है ये, गजब। विश्वास ही नहीं होता। ये पहाड़ की तलहटी, ये पहाड़ है और इसमें ये इस तरीके का एक मिडो देखने को मिल रहा है। ये मिडो काफी शानदार है, बहुत ही उम्दा, कह सकते हैं कि जन्नत। वाओ, भगवान का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, अवसर दिया कि मैं इस शांति वाली जगह पर आकर के और आप सभी मित्रों को मैं यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। आज हम यहाँ से जो है वो कल्पा के लिए रवाना हो जाएंगे और बस कुछ ही पल यहाँ पर है, उस पार जाएंगे, पैकिंग करेंगे और कल्पा के लिए बस को लेकर के चले जाएंगे। सोच तो यही रहे हैं कि वहाँ पर भी ऐसा ही हमें दृश्य देखने के लिए मिलेगा और अगले आने वाले 20 दिन 1 से लेके 20 जून तक हमारा जो स्टे है वो वहीं पर है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा जो है वो यहाँ का है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से जो है वो हटे ही नहीं, बैठे ही रहें और यहीं सटल हो जाए, पर क्या करें, जहाँ भगवान और परमात्मा की इच्छा होती है वहीं हमें अपना गुजर और बसर करना होता है। बहुत ही शांत, बहुत ही शांत। और जो ये आवाज़ सुनाई दे रही है वो बस पार रिवर की है जो कि मेरे इस दिशा में है। सूर्य नारायण भगवान जो है वो ये चमक रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ही उम्दा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे सूर्य नारायण देव, ऐसे ही कृपा बरसाते रहो। जय जय सूर्य नारायण देव। हे सूर्य नारायण देव, कृपा करो।